सो हे गाइस, स्वागत आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी NBCC इंडिया लिमिटेड को लेकर। NBCC इंडिया लिमिटेड में आप लोग देखोगे अचानक से भी 9-10% की तेजी बन गई है स्टॉक में। 184.60 रुपये के भाव में शेयर आ गया। भी रनिंग मार्केट की वीडियो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और भाव इसका हो सकता है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि स्टॉक एकदम से इतनी जबरदस्त रैली में दिखाते हुए नजर आया। तो अभी आज के दिन 9 तारीख को ये खबर आते हुए नजर आई अभी 11:15 बजे के आसपास, और उसके आते ही स्टॉक में जो है एक जबरदस्त एक्शन आया है। और ये जो खबर आई है, जो खुशखबरी आई है, वो ठीक रिजल्ट से पहले आते हुए नजर आई है। तो कंपनी के रिजल्ट आने हैं कब? 13 तारीख को। और 13 तारीख से पहले आप लोग देखो कंपनी की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी। और अभी टाइम जो वॉल्यूम आई है वो आप लोग देखो कि 2,57,00,000 के आसपास वॉल्यूम आई है। तो हाई वॉल्यूम भी हमें देखने को मिली है और स्टॉक 8-9% के आसपास अच्छे एक्शन में देखने को मिला है। तो चलिए भी जानते हैं डिटेल में आखिरकार क्या खबर है और इस खबर के बेस पर स्टॉक में और कितने जो रैली है वो देखने को मिल सकती है, और आगे के कैसे क्या रहेंगे भी इस टारगेट इसके, और इसको क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। इसके ऊपर मैंने आपको पहले भी बता दिया भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखेंगे स्टॉक को। तो चलिए सबसे पहले खबर देख लेते हैं। अगर खबर की बात करें तो ये देखो भी सुबह सुबह अभी कंपनी ने नोटिस पब्लिश किया है। BSC NSE की साइट पर इसका चेकआउट आप लोग कर लेना। भी कंपनी ने बताया भी इसको जो है भी एक वर्क ऑर्डर रिसीव हुआ है, ठीक है, और वो छोटा मोटा नहीं हुआ, 15,000 करोड़ का। जी हाँ, कंपनी को 15,000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिल चुका है। और आप लोग देखोगे 28 से 30 हज़ार करोड़ के आसपास की इसकी ऑर्डर बुक थी ना अब तक की, अब आप लोग देखोगे इसने सीधे 15,000 करोड़ और ऐड कर दिया अपनी ऑर्डर बुक में। तो इसकी जो ऑर्डर बुक है वो आप लोग देखोगे भी 40-45 हज़ार करोड़ की हो चुकी है। तो इस ऑर्डर बुक के चलते आप लोग देखोगे आने वाले टाइम में स्टॉक के ऊपर कैसा इंपैक्ट रहता है। तो अभी के टाइम यहां पर आप लोग देख सकते हो अभी कंपनी की तरफ से खबर आई है, डेवलपमेंट करेगी कंपनी ऑफ सैटेलाइट टाउनशिप स्पेड ओवर 406 एकड़ एट राखी गोंड आकाश बेमिना श्रीनगर। आप लोग देखोगे श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो भी कंपनी को ये ऑर्डर मिला है डेवलपमेंट करने जा रही है सैटेलाइट टाउनशिप, ठीक है, ये कंपनी। तो यहाँ से आप लोग देखोगे 15,000 करोड़ का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपनी को मिला है, और इसके बारे में जो यही जानकारी भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका जो कितने टाइम में कंपनी करेगी, कितने टाइम में कंप्लीट नहीं करने वाली, इसके ऊपर कोई डिटेल जानकारी नहीं है। तो कंपनी की तरफ से नोटिस है, 15,000 करोड़ के ऑर्डर के बाद जो शेयर है वो बिल्कुल एक्शन में हमें अभी के टाइम दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब जानते भी आगे के टारगेट्स कैसे रहेंगे इसके। तो यहाँ पर देखोगे स्टॉक में हमें ऊपर से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था, हालांकि डाउन ट्रेंड का ये ब्रेकआउट हमें यहाँ पर आते हुए नजर आया, भी एक ही कैंडल के अंदर स्टॉक ने इसे ब्रेक कर दिया है, और ये ब्रेकआउट आया भी खबर के दम पर। तो यहाँ से थोड़ा बहुत स्टॉक में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, डोंट वरी, पैनिक नहीं होना। अभी पहला टारगेट हमारा रहेगा यहाँ से 190 का ब्रेक करके सस्टेन किया स्टॉक ने, तो ये फिर से जो शेयर है फ्रेश हाई के लिए तैयारी कर चुका होगा भाई। बट उसके लिए देखो भी आगे रिजल्ट्स का वेट करना पड़ेगा हमें अभी। तो अभी के टाइम अगर आपकी होल्डिंग है तो नीचे में सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है अभी के टाइम करंट लेवल के ऊपर, वो रहेगा अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 156 रुपये के आसपास का स्ट्रॉन्गली सपोर्ट है 156 का। और यहाँ तक स्टॉक अगर आता भी है तो नीचे के भाव में थोड़ा थोड़ा करके एवरेज करना ठीक रहेगा। और अगर आपकी होल्डिंग है तो इसे अभी होल्ड करना भी, इस शेयर को अभी बेचना नहीं है, इस शेयर की लंबी ग्रोथ स्टोरी हमें देखने को मिलेगी। अभी तो स्टार्टिंग है, इसके अंदर एक बहुत अच्छा एक्शन हमें रिजल्ट के दौरान भी देखने को मिलेगा। अभी के टाइम अगर आपकी होल्डिंग है तो होल्डिंग बनाए रखिए। अगर इसके बारे में और कुछ पूछना आपको कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि स्टॉक के रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।